देख रहे हैं नेशन वन, मैं हूं आपके साथ लीली। लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। हमारे साथ टिहरी लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दौलत कुंवर आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चुनाव को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे। आपका बहुत स्वागत है। आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ नेशन चैनल का, जिन्होंने इस किसान के बेटे को अपने स्टूडियो में बैठने का एक सौभाग्य दिया, अपनी बात करने का एक सौभाग्य दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात टिहरी लोकसभा की, वो देश की पहले नंबर की लोकसभा है और इस नंबर एक नंबर की लोकसभा में 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा पूरे देश का, तो लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये अप्रत्याशित नतीजे कैसे आ गए कि एक निर्दलीय वो गरीब किसान का बेटा भाभी वोटों से एक सांसद बना है। ये पूरे देश को ये मैसेज जाएगा टिहरी लोकसभा से। आप इतना आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे की वजह है कि हमने काम किया है, और काम कोई ऐसे नहीं कि मैंने ये कोई रैली निकाली होगी चुनाव से पहले और उसमें भीड़ किराए की ला दी और वहाँ उनको दारू पिला दी, ढोल बजवा दिए और लोगों ने देखा जी इसके पीछे भीड़ है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैंने काम किया है टिहरी उत्तरकाशी या घनसाली या टिहरी के अंदर, मैं जेल तक रहा, 39 दिन भूख हड़ताल करी मैंने, और सर्व समाज के गरीबों के लिए काम किया है। मुझे इस चीज का गर्व है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, एक सांप नाथ है दूसरा नाग नाथ है, इन्होंने हमेशा गरीबों को छलने का काम किया है। गरीब चाहे वो किसी भी जाति का है, ये केवल वोटों के टाइम जब चुनाव आते हैं तो उस समय उनको सपने दिखाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद केवल अपने एजेंडों को इनको ये ठेके देते हैं, दारू के ठेके देते हैं, रोडों के ठेके देते हैं। ऑल वेदर रोड बन रही उत्तराखंड में, किस गरीब को, ठाकुर के बच्चे को मिला है मैं पूछना चाहता हूँ ठेका? वो बड़े धन्नाटे हैं, किसी भी विशेष करके उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी बारी बारी से भाजपा कांग्रेस ने बर्बाद करने की ठानी हुई है। इसको बचाने की मुहिम एक उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच है, जिसमें 7 रिटायर्ड IAS अधिकारी है, 5 PCS रिटायर्ड अधिकारी है और 3 रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट के, जिन्होंने इस मंच को बनाया था। यह मंच बना हुआ है 18 साल पहले का, लेकिन उनके पास में कोई इस मंच के लिए कोई ऐसा ड्राइवर नहीं था जो अपनी मौत को दावत में लगा सकता था। 8 महीने पहले मुझे ऑफिसर क्लब में बुलाया था उन IAS अधिकारियों ने, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उनका और PCS अधिकारियों का। उन्होंने कहा कि दौलत कुंवर जी, हमने आपके अंदर कुछ देखा है, हमारी नज़र से आपको हम संयोजक बनाना चाहते हैं कि आप ये मंच को चलाएंगे। तो मैंने उनसे एक निवेदन किया था, मैंने कहा जी आप अधिकारी रहे हैं और अधिकारी जो है जब मैं कोई काम करूँगा तो मुझे टोकोगे नहीं जी। क्योंकि मैं काम करता हूँ फिर पागलों की तरह, मेरे को मदद कर सकते हो तो ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो दौलत कुंवर जी, आपने रामलीला देखी है? मैंने कहा हाँ जी। कि रामलीला में कभी डायरेक्टर स्टेज पे नहीं आता है जी। और आप जो है, आपको बोला हमने देखा, हमने पहले कई मीटिंगें करी तब बुलाया आपको, तो आपको हम हनुमान बनाना चाहते हैं उत्तराखंड के लिए। यहाँ जो रावणों की लंका बना रहे बारी बारी से कांग्रेस बीजेपी वाले, इसको आप ही उजाड़ सकते हो। तो मैंने कहा धन्यवाद साहब, आपने अगर इस मजदूर किसान के बेटे को इतने लायक समझा तो बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि तुम संयोजक हो और लगो काम पे। तो मैं बकायदा, आप देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर ये झूठ है तो इस बात का भी पता लग जाएगा। इस चुनाव से पहले मैं आपके सामने लाइव हो रहा हूँ। श्रीनगर के अंदर एक डैम बना हुआ है जी। वो डैम पड़ता है पौड़ी जिले में जी। और पौड़ी जिले की लड़ाई लड़ने के लिए पहला कोई उत्तराखंड का, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जौनसार बावर के बड़े धन्ना सेठ है जो है, जिनका एक मैं बोलता हूँ अभी मोती सिंह प्रकरण हुआ था वहां पर जी, जी। जिसकी लाश बाद में 2.5 महीने के बाद अपने आप ऊपर आ गई और वो जौनसार के लोग, सीधे साधे लोग
अपना एक धरना प्रदर्शन करने बाजार में आए थे, तो उनको लाठियां भांजी गई। तो उसमें जो है, जो वहाँ जौनसार बावर के दो दिग्गज है, उनके लिए मैंने एक अपील की थी, मैं सचिवालय घेराव किया था जी। अपील की थी कि मोती सिंह का लाश नहीं मिली, तो मैंने उनसे अपील करी कि कहाँ गए जौनसार बावर के दोनों हीरे, अभी तक नहीं मिला मोती। क्या था वो प्रकरण? प्रकरण ये था कि देखिए, हत्यारा चाहे किसी भी समाज का हो जी, उसको सजा मिलनी चाहिए। दो लड़कों ने मोती सिंह को मार के फेंक दिया था नदी में, वहां पर डबल इंजन की सरकार की पुलिस ढूंढ ढूंढ के नहीं ढूंढ पाई, और जो वो पुलिस का काम तो नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, तो पुलिस को मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन जिन्होंने वो दोनों हीरे बनाए, एक जौनसार का हीरा बनाया जो पूरे उत्तराखंड में फेमस है, और एक बावर का हीरा बनाया हुआ है, वो हीरे कहाँ थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। लेकिन वोटों के लिए दौड़ लगा रहे हो जौनसार में दोनों के दोनों, और एक तो पूरे टीरी में दौड़ लगाएगा, तो ऐसे हीरे नहीं है, तो डेकचून है। बीएसपी में आप लंबे समय तक रहे हैं, तो बीएसपी से आपको लोकसभा का टिकट आपने मांगा नहीं, या उन्होंने आपको दिया नहीं, या आपने आपको दूसरे दल से ऑफर आया, जैसा आपने अभी बताया कि आपको संयोजक के तौर पर उन्होंने कमान संभालने को कहा है नए दल की, तो क्या कहेंगे? देखिए मैम, बीएसपी की या ये नया दल, ये सामाजिक काम करने के लिए उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच, उन्होंने मेरे को पहले ही बताया था, उन्होंने ये भी कहा था कि इसको हम जब भी करेंगे तो राष्ट्रीय लेवल पे करेंगे जी। और केवल आप काम करो, अभी चुनाव चुनाव लड़ने के लिए हम बोलेंगे नहीं जी, जी। तो मैंने काम करते करते फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि तुमने गरीबों के लिए काम किया, अब चुनाव लड़िए। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, मैं दिल से बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं बहुत दिल से चाहता हूँ उनको, लेकिन उत्तराखंड के अंदर बीएसपी का हाथी पहाड़ चढ़ नहीं सकता, क्योंकि 17 साल से मैं कोशिश कर रहा था चकराता में चढ़ाने की, लेकिन वो कालसी से ऊपर जाता ही नहीं है, वो नीचे गिर जाता है हाथी। इसके कारण आपने जानने की कोशिश करी कि क्या कारण है इसके? जी मैम, मैं बिल्कुल, अगर मैं बीएसपी के बारे में नहीं जानूंगा तो उसका कारण यह है कि जो बहन जी है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, वो लखनऊ में वो पूरा देश संभाल रही है, जो उन्होंने यहाँ पे प्रभारी भेजे हैं, वो अध्यक्ष भेजे हैं, वो निकम्मे हैं, वो हमारे मनोबल तोड़ने का काम करते थे, बल्कि हम काम करते थे अच्छा, तो हमको कम से कम उनको ये तो बोलना चाहिए था कि दौलत कुंवर जी, एक बार मैं जन्मदिन मनाया बहन जी का चकराता में, 56 साल की हुई थी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, तो 56 किलो का केक मैंने अग्रवाल बेकरी से बनवा के मंगवाया था जी। बर्फ पड़ी हुई थी, 15 तारीख को बहन जी का जन्मदिन होता था, बर्फ पड़ी हुई थी, बर्फ के बीच में वो केक काटा गया, और इसमें जो प्रभारी आए थे लखनऊ से जी, उनको रुकने की व्यवस्था कराई सारी। दूसरे दिन जब मैं नीचे आया मीटिंग में बीएसपी के, तो मैं खुश होकर आया, आज मेरे प्रभारी जी मेरी बहुत इज्जत करेंगे, और भी नेता होंगे उत्तराखंड के, तो बहुत अच्छी बात है, मैं जाके आज खुश होकर आया। तो मैं जैसे ही अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में अंदर एंट्री करी, तो दूर से ही जो प्रभारी जी बोले, अरे आइए दौलत कुंवर जी आइए, वहाँ जौनसार में तो बहुत दर्शक आए हुए थे। मैं बड़ा अचंभा हुआ मुझे, मन का मान्यवर दर्शक का मतलब मैं समझ नहीं रहा, ना तो हीरो किसी फिल्म का मैं हूँ, ना किसी फिल्म के हीरो आप हैं, तो आपने दर्शक क्यों बुलाए? ये बात कि अरे यार वो तो मुझे सुनने के लिए आए थे, और ऐसे थोड़ी आए। मन का साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप जरा 2 महीने के बाद फिर चले जाओ, 46 गाड़ियां लगाई थी मैंने, ठीक है जी, केक 56 पाउंड का केक यहाँ से मंगाया था, और बर्फ में लोग आए हैं तो उनका विश्वास था मेरे ऊपर, मुझे इतना बड़ा दुख हुआ, धक्का हुआ कि मेरा मनोबल बढ़ाने के चक्कर में ये गिरा रहे हैं। फिर भी मैंने हिम्मत रखी, और 2017 में विधायक का चुनाव लड़ने के लिए मुझे दिल्ली ले गए बहन जी के पास जी। उन्होंने बहन जी से मिलवाया, तो मैंने बहन जी को साफ मना किया कि मेरे ऊपर जौनसार में बहुत बड़ा पथराव हो रखा है, बहन जी मेरी इलाज करनी, हाथ टूट गया, मेरे सर में टांके लगे हुए हैं, रीढ़ की हड्डी के वह फ्रैक्चर थी, अपोलो में रहा 3 महीने, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो बहन जी ने उनको कहा, जो प्रभारी थे, कि तुम इनको चुनाव लड़वाइए,
इनको पूरा सहयोग करिए, हो सकता है एक सीट ये निकल जाएगी। तो उन्होंने मेरे को बाहर लाया और कहा कि दौलत कुंवर जी आप चुनाव लड़िए और जाइए चक्राता। मैं भी खुश होके गया और मैंने नामांकन करा। नामांकन करने के बाद जैसे आज नाम की वापसी, आज शाम तक उन्होंने 3 बजे तक मेरे से बात करी। जैसे ही नाम वापसी में मैं नीचे नहीं बैठा उस समय उन्होंने वो जो फोन नंबर मुझे दे रखे थे वो स्विच ऑफ कर दिए। उसके बाद आप पता कर लीजिए मेरा घर आज लीलाम की कगार पे है। मैं 22 लाख के कर्जे में आया उस समय और उन्होंने फोन सब बंद कर दिए और 2 बार लीलामी का ऑर्डर हुआ केनरा बैंक से। आप पता कर लीजिए मेरे पास सबूत है। तो ऐसे पार्टी में मैं क्या करता। मैंने तो आपको मेरे को इतना धक्का है कि बहन जी। उसके बाद किसी और पार्टी ने आपको अप्रोच किया? बहुत सारे। जिस दिन मैं नामांकन करने गया 25 तारीख को, ये 25 तारीख को क्यों किया मैंने नामांकन, इसके पीछे मैं कारण बता रहा हूँ। मेरे को जब मैंने घोषणा कर दी, मेरी घोषणा तो ऐसा नहीं है कि मैंने 25 तारीख को ही करी, मैं 2 महीने से सर्व समाज के गरीबों ने और विशेष करके मातृशक्तियों ने मुझे कहा कि तुम चुनाव लड़ो, उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी बर्बाद कर रहे हैं कांग्रेस वाले बीजेपी वाले, बेटा तुम चुनाव लड़ो, भाई तुम चुनाव लड़ो, महिलाओं का आशीर्वाद मेरे को प्राप्त है, टिहरी उत्तरकाशी देहरादून और चक्राता पचवादून। तो मैंने घोषणा कर दी, प्रेस क्लब में बैठकर द टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर बड़े बड़े टीवी चैनलों ने उसको उठाया, आपके चैनलों ने भी उठाया, तो सारी सबका धन्यवाद करूंगा। तो उसके बाद मेरे पास 13 संगठनों के अध्यक्षों के फोन आए। एक संगठन तो लखनऊ से जहाज में आया कि हम जहाज में आ रहे हैं जी। लेकिन ना करने का क्या कारण रहा? आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जी, उसका क्या कारण रहा, क्या वजह है उसकी? वजह यह है जी कि जो कांग्रेस और बीजेपी से नाराज हैं सर्व समाज के गरीब, अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष दल से जुड़ जाता तो हो सकता है कि वो विचारधारा उनको भाती नहीं जी। मैं जनता की भावनाओं को हाथ नहीं कर सकता। मैंने पहले ही पूछा कि मैं, मेरे को ये संगठन 13 संगठन के लोगों ने मुझे ऑफर दिया कि हमारे पार्टियों से लड़ो, तो लेकिन मैं जनता की कद्र करता हूं, जनता के चरणों में हूं, जनता की सेवा करता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। मंदिर की राजनीति को लेकर भी आप काफी सुर्खियों में रहते, जब तरुण विजय आए थे वो क्या पूरा मामला था थोड़ा सा बताइए। देखिए मंदिर वाली जो बात है वो बहुत पीछे चले गई है इस देश के अंदर। जब कोई झगड़ा होता है दलितों के साथ में तो उस समय तो ये कहते हैं कि तुम हिंदू हो, आओ जी मुसलमानों के साथ में झगड़ा करना है। और जब दलित बेचारे भगवान की पूजा करने जाते हैं तो उनके ऊपर चक्राता में दंड लगाते हैं, मारते हैं। और यहाँ तक कि मेरे पास में 50 उदाहरण है, कोई पति पत्नी नई शादी हुई दलित समाज की, वो मंदिर में गए, मंदिर में आंगन में पहले तो पहचाना नहीं, जब पहचाना तो उसके बाद उनको दोनों को बिठा लिया कि तुम अपने घर से एक एक बकरा लाओ, 5,000-5,000 रुपए लाओ तब छोड़ेंगे, नहीं तो हमारा देवता भ्रष्ट हो गया जी तुम्हारे को देखकर। ये सिलसिला मेरे पास में, मैं बचपन से उस क्षेत्र में रहा हूँ, बचपन से था। तो मैंने एक परिवर्तन यात्रा निकाली, जैसे अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक परिवर्तन यात्रा निकाली अभी 2 महीने पहले जौनसार से, मैं हैरान हो गया ये किस चीज की परिवर्तन यात्रा, ये तो मैं पहले निकाली थी मंदिर आंदोलन के लिए परिवर्तन यात्रा, ये नाम कैसे गया इनके पास में। तो ऐसे परिवर्तन यात्रा करके मैंने लोगों को जोड़ा, लोग मेरे साथ में थे और यहाँ तक हुआ कि तरुण विजय जी माननीय राज्यसभा सांसद, मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ ये कहाँ है, ये क्यों भाग गए? अरे मार खा ली आपने फिर भाग गए? आपके जगह अगर मैं होता महोदय कि मार खाने के बाद एक राज्यसभा सांसद मार खा के चुप बैठ गया, मेरे मोबाइल को ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। तो मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भाजपा ली जाने वाली और कांग्रेस मारने वाली जी। ये नहीं चाहते कि दौलत कुंवर जिंदा रहे उत्तराखंड में, क्योंकि उनको पता है ये तो आए दिन धरने पे बैठ जाता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो। अभी देखा आपने जब मैं श्रीनगर में जीबीके कंपनी के खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठा था 39 दिन जी, तो वहां से महिलाएं आई इंदिरा हृदयेश जी के पास, माननीय प्रीतम जी के पास, रोई बिचारी कि वो मर जाएगा, वो जिद्दी आदमी है। आज 34 दिन हो गए हैं विधानसभा सत्र चल रहा था, आप उठा दीजिए मामला, क्योंकि हमारे 876 परिवारों का रोजी रोटी का संकट है, उस कंपनी ने हमारा कुछ नहीं दे रखा। महिलाएं आई चल के वहां से, इंदिरा हृदयेश जी को कहा,
तो इंदिरा जयसिंह जी ने कहा कि मैं जरूर इस बात को विधानसभा में उठाऊंगी। तो क्या हुआ उसमें? लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन शाम को इंदिरा जयसिंह जी ने माननीय प्रीतम सिंह जी से बात करी होगी। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने वो बात क्यों नहीं उठाई विधानसभा सत्र में? वो इसलिए नहीं उठाई होगी, भाजपा पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी उत्तराखंड में, तो मैं इसी मंदिर आंदोलन के भूखड़ताल पर बैठा था धरना स्थल पर। उस समय बीजेपी वाले मेरे से बहुत खुश होते थे कि दौलत भाई आपके जैसा तो नेता है ही नहीं कोई उत्तराखंड में, तो वो इसलिए खुश होते थे कि ये कांग्रेस के वोट काट रहा है। अब आज जब बीजेपी की सरकार बनी और विशेष करके धन सिंह रावत जी ने तो मेरे साथ में इतना बड़ा अन्याय किया वहां पे श्रीनगर में, उनको कम से कम इतनी सोच होनी चाहिए थी धन सिंह रावत जी को। मेरी पत्नी गढ़वाल से है, मैं सबको वहां अपना ससुराली मानता हूं और इसीलिए धारी माँ के चरणों में गया था क्योंकि धारी माँ का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा उस देवी को नहीं भूल सकता। तो मैंने वहां बोला भी इस बात को कि मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा, मेरे को जो है आप ना तो भूख हड़ताल तोड़ने के लिए बोलना, आप पूछ सकते हैं उन महिलाओं से, 876 परिवार की महिलाओं से। मैंने उनसे कहा मैं एक शर्त में आपकी लड़ाई लड़ूंगा, ये सरकारें ऐसी नहीं मानेगी, मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, अगर आपने मेरी भूख हड़ताल तोड़वाने की कोशिश करी तो मैं नदी में छलांग मार दूंगा, एक काम कर लेना मेरे लिए, अगर तो सरकार झुक गई तो आपको मिल जाएगा, तब मेरे को जौनसार तक छोड़ देना, आप पता कर सकते हैं, और नहीं तो अगर मैं मर गया मेरे लाश पर माला पहनाकर मेरी अर्थी मेरे बच्चों तक पहुंचा देना विकास नगर तक, मैंने ये कहा था वहां पर। और अगर ये बात छूटी है तो आप पूछवा सकते हैं चौरास में जाकर, श्रीनगर में जाकर, मैंने ये घोषणा करी थी वहां पर। इसलिए 39 तो क्या लगता है कि ये सब लोग जो है आपके साथ इस वक्त खड़े हैं? ये जो गरीब है इन्होंने तो मुझे चुनाव मैदान में उतारा है। आज मैं क्यों गर्व से कह रहा हूँ कि विधायक नहीं सांसद हूँ मैं, और वो भी टिहरी लोकसभा का एक नंबर सीट से। विधायक कोई चीज नहीं है, सांसद एक जो है इन गरीबों के बचे हुए काम का नेतृत्व मुझे लोकसभा में करना है। तो जनता को आप पर पूरा भरोसा है जो कि आप बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जनता ने अभी जब मैं नामांकन करा उस दिन मैंने सोचा 10 आदमी भी जो होते ना प्रस्ताव वो भी मुझे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। सुबह सुबह हो गई बारिश, मैं सोचा मैंने कहा वो भी भाग जाएंगे वो नामांकन जो प्रस्ताव हो गया। जब मैं वहां गया मैंने बोला, वो कार्यकर्ता ने, एक मेरे जो कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि आपको केवल वहां पहुंचना है टाइम से 3 बजे से पहले पहले। जब मैं वहां गया इतनी मात्र शक्तियां इतनी उम्र की, कैसे वो टिहरी से चल के आई, कैसे वो उत्तरकाशी से चल के आई, नेटवर्क साकरी बड़कोट से चल के आई, मुझे नहीं पता जी। यदि आप सांसद चुने जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए जी, अगर सांसद नहीं मैं 101% अगर उन मगर कुछ नहीं सांसद बन रहा हूँ, ये तय है जी। और बनने के बाद उत्तराखंड का पानी और जवानी बचाने के लिए अपना पूरा जीवन सर्व समाज के गरीबों के चरणों में डाल दूंगा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करना चाहता हूं। क्योंकि मेरे साथ में जो भाजपा कांग्रेस ने किया, मैं नहीं चाहता किसी गरीब के बेटे के साथ में इतना अन्याय करे कोई सरकार है। तो टिहरी लोकसभा से दो दिग्गज जो है पार्टियां और दो दिग्गज जो है वो मैदान में है, तो उनको किस तरीके से आप मात देंगे? दिग्गज आप बोल रहे हैं जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है इन दिग्गजों की सीटी पिटी गोल हो चुकी है। माननीय प्रीतम सिंह जी, मैंने अखबार में पढ़ा था किसी में, जब राहुल गांधी जी आए थे तो उसके बाद जो है इन्होंने कहा, 3 बार कहा है, मेरे पास आज भी अखबार की कटिंग है जी। जब पूछा परिवेक्षकों ने जो दिल्ली से आए थे कि प्रीतम सिंह जी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो प्रीतम सिंह जी ने 3 बार बोला कि मैं नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। तो ऐसे ही कौन सी आफत आ गई, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, अब ना प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और सांसद के तो सपने छोड़ दीजिए। प्रीतम सिंह जी आपके आदर्श कौन है? आदर्श के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, पर एक बात भूल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, प्रीतम सिंह जी को एक संदेश है, आपने मंदिर पे पथराव कराया पीठ के पीछे से, अब जनता आपको जवाब देगी टिहरी की पौड़ी टिहरी की, उत्तरकाशी की, पछुआदून की और देहरादून की, ये जवाब देंगे आपको सामने से, आपके ऊपर पथराव होगा सामने से। 10वीं क्लास में था मैं और मैंने उनके बारे में पढ़ा, जिस परिवार से आज
सांसद भाजपा ने दिया, मैं तो इनका नाम भी नहीं लेना चाहता जी, जी। मुझे नहीं पता कौन है, और जिस परिवार से आज सांसद है और फिर दोबारा टिकट मिला, इस परिवार ने श्री देव सुमन को कैसे मारा है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने ये कहा था, स्कूल का बच्चा था, उन्होंने कहा कि राज प्रथा हटानी पड़ेगी, और इस उसके लिए वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठने के बाद टीरी के अंदर उनको कांच पीस के दिया गया और वहां मार दिया गया उस लड़के को। मैं उनको आदर्श मानता हूँ, और सौभाग्य देखे मेरा, मेरे को टीरी लोकसभा मिली भी है, और टीरी में जेल में डाल भी दिया था डबल इंजन सरकार ने। मैं भी जेल से हवा खा के आया हूँ, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या कारण रहा आपको जेल में डालने? जेल में मैंने जब आंदोलन किया वो जीबीके कंपनी के खिलाफ, वो आंदोलन इतना बड़ा हो गया था कि 3000 महिला रहती थी डेली, 3000 पुरुष रहते थे, तो सरकार ने मुकदमे लगा दिए कि कंपनी के अंदर क्यों आए हैं, और उसके मालिक को बंधक बना दिया। 26 घंटे तक जो 4 करोड़ रुपए पर डे कमाता है उसको उन मातृशक्तियों ने 26 घंटे तक बंधक बना दिया गार्ड रूम में। वो मुकदमा ठोक दिया मेरे पे जी। तो मेरे को उठाया सुबह 5 बजे और जेल में डाल दिया। धन्य है उन मातृशक्तियों को जिन्होंने, जिनके 65 साल 70 साल उम्र है वो रोड़ों पे लेट गई, उन्होंने कहा या तो दौलत कुंवर को लाओ या नहीं तो हमें भी जेल डालो। मैं उन 46 के 46 महिलाओं के चरणों में नतमस्तक हूँ, और मैं भूल नहीं सकता वो देवियां 11 बजे रात जब जेल में आई तो टीरी का प्रशासन, जेल प्रशासन हिल गया, कितनी महिला जेल में आई, जगह जगह रोकी उनकी गाड़ियां, अरे तुम कहां पड़े हो चक्कर में, पुलिस कह रही डबल इंजन की, तुम कहां पड़े उसके चक्कर में, वो तो फ्रॉड है, तुम जो घर जाओ अपने बच्चे देखो, नाती देखो, पोती देखो अपने। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं, हमें दौलत कुंवर के पास जाओ, नहीं तो उसको लाओ जेल में डाल रहे। क्या संदेश आप हमारे माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं? मेरी हाथ जोड़ के विनती है जनता से, सिर्फ 11 तारीख शाम 5 बजे तक, एक तो आप बड़े बड़े टीवी चैनल ना देखें और एक बड़े बड़े अखबार ना देखें। मैंने खुद अपने घर से बड़े बड़े टीवी चैनलों को बंद कर दिया अपने बच्चों को देखने के लिए, और अखबार 4 आते थे मेरे घर में, 4ों को मैंने अखबार फेंकने वाले को बोल दिया पैसा 1 नहीं मिलेगा भाई, आप अगर ये अखबार फेंकेंगे मेरे घर में तो हम आप पैसा नहीं देंगे। तो मेरी जनता से अपील इस किसान के बेटे की, एक तो बड़े चैनल ना देखें आप केवल 11 तारीख 5 बजे तक, और ना बड़े अखबार पढ़ें, छोटे टीवी चैनल देखें, उत्तराखंड के चैनल देखें और उत्तराखंड के अखबार पढ़ें, मैं ये अपील करना चाहता हूँ। चलिए आपसे ढेर सारी यहाँ पर बात हुई, और आपकी जो मातृशक्ति और जो दलित और गरीब जनता के प्रति आपका आभार देखने को यहाँ पर मिला है, लगता है आने वाले समय में वो आपका एक शक्तिपुंज बनेंगे और आपको संसद तक पहुंचाएंगे। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपको बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में मेरे साथ इस वक्त के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।